नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। विषय बड़ा ही सहज और जटिल है। अगर आप पर किसी ने तंत्र प्रयोग किया हो तो उसका काट कैसे करें? बहुत बार ये सवाल हमारे पास आता है कि अगर किसी ने किसी को कुछ खिला दिया हो, मतलब भोजन जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से भी जो तंत्र जाता है वो भी उसका भी कारक जल ही होता है, तो जल के माध्यम से शरीर में अगर तंत्र प्रवेश कर जाए तो उसका काट क्या होता है? तो जल के माध्यम से जो भी तंत्र आपके शरीर में जाता है उसका काट जल ही होगा। एक तो जो भोजन के या पानी के माध्यम से जो आपके शरीर में जो तंत्र भेजा गया, जो मंत्रों के माध्यम से भी जो तंत्र आपके पास भेजा जाता है उसका वाहक भी जल ही होता है। जो एटमॉस्फेयर में जो जल का परसेंटेज है वो ही श्राप और जादू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा पूरे इस दुनिया का सबसे सहज तरीका तंत्र काट का। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मैं मंत्र बताऊंगा वो आपको सही सही उच्चारण करना है। मैं शब्दों को तोड़ तोड़ के आपको बताऊंगा, वो सारे मंत्रों को, सारे शब्दों को आप उसी हिसाब से उसका याद करके फिर इसका प्रयोग कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठकर जूठे मुंह एक ग्लास पानी लेना है, ठीक है। मुंह धोकर कुल्ला करके इस यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, इस तंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। सुबह जिस प्रकार से आप उठे हैं उसी प्रकार से उठिए, सीधे एक ग्लास पानी हाथ में रखिए और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उसका 11 बार जाप करेंगे। 11 बार जाप करने के बाद 3 बार आप उसमें फूकेंगे, ठीक है, और फिर उस ग्लास से 3 घूंट पानी पियेंगे, ठीक है। जब आप 3 घूंट पानी पी लेंगे तो जो भी तंत्र आपके अंदर है या जो आपके ऊपर किया गया है वो नाश हो जाएगा। मंत्र आपके स्क्रीन पर है, उसको आप लोग देखिए, मैं पढ़ के बता रहा हूं। अब पारिस सम भ्रम काय वेद, अब पारिस सम भ्रम काय वेद, छेदक ज्ञान विज्ञान फूटे, अमुकार माय हाका चंडी तो, हमारे माशिल पाथर पर, अमुकार मासे मारेस सम मारे, मुम मारे रोडास उल्टा बोधे, वीरूपाच विराली उल्टा बंधे, पिंडो मानाये मोरे पिंडे, करोधा उल्टा बेधे, दंत कुलखा फोड़ फोड़, डंडी वीरु पादारे आज्ञा, ठीक है। तो अघोर का जो शिव रूप है वीरूपाक्ष का ये मंत्र है, इसको पढ़ लेना है। ग्लास को हाथ में रखिएगा, 11 बार इस मंत्र को पढ़िएगा, 3 बार फूंक मारिएगा और सिर्फ 3 घूंट पानी आपको पीना है। ऐसा आपको 3 दिन से 11 दिन तक करना है, आपको असर पहले दिन से दिखेगा। ये बहुत ही सहज विधान है, आप सभी कर सकते हैं। और मान के चलिए कि अगर बहुत प्रभावी तंत्र भी आपके ऊपर काम कर रहा है या श्राप काम कर रहा है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा इस यंत्र से। उसके बाद तो भगवान है और जो साधक हैं आपके आसपास उनके आप लोग मदद लें। आज के लिए इतना ही। वीरूपाक्ष आप लोगों के जीवन में अगर कोई तंत्र बाधा है तो उसको काट दे, ऐसी मेरी कामना है। जिनको तंत्र मार्ग में आगे बढ़ना है या फिर जिनको भूत प्रेतों के बारे में जानना है वो मेरी किताब हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खरीद के पढ़ सकते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इस बार भैरवाष्टमी में और भैरव मंदिर रुद्रकाली मंदिर पे बहुत बड़ा आयोजन है, आप लोग सभी उसमें आमंत्रित हैं। यहीं पर मैं जोड़ दूँ, जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, USA कैनेडा और इंडिया के लोग इससे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसमें रुद्रनाथ @cm4 आप सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं।
अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrahasya.xyz पर जाइएगा, अपॉइंटमेंट सेक्शन को क्लिक कीजिएगा, आपको मेरा अपॉइंटमेंट सीख हो जाएगा। समय मैं निर्धारित करता हूँ, आप सिर्फ अपॉइंटमेंट सीख करते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। आप सभी का महादेव भला करे, आप सभी को आदेश आदेश, अलग आदेश।